नमस्कार, मैं हूँ सीमा। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर के प्रशासन ने निर्देश जारी किया है और इसी के तहत अब गांधी मैदान के सभी गेट को बंद कर दिया गया है। यानी आम नागरिकों के लिए ये सूचना गेट पर ही चिपका दी गई है कि 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी। और ये रोक इसलिए लगाई गई है इसलिए कि सुबह 9 बजे से गांधी मैदान में परेड का पूर्वाभ्यास जो है वो शुरू हो रहा है और हर दिन ये अभ्यास होगा। गांधी मैदान में सुरक्षा कारणों से सभी गेट पर ताले लगा दिए गए हैं और आम लोगों के लिए दाखिले पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। आपको बताते चले कि गांधी मैदान में सुबह और शाम में लोग टहलने आते हैं और आमतौर से शाम के वक्त और सुबह में बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद होते हैं। सुबह की सैर और शाम की सैर की वजह से यहाँ बड़ी भीड़ लग जाती है, लेकिन 15 अगस्त की वजह से आज से ही ये पाबंदी लगा दी गई है और ये पाबंदी लगातार 15 अगस्त तक जारी रहेगी। प्रशासन ने इसको लेकर के निर्देश भी जारी किया है और गेट पर जो सूचना है वो चिपका दी गई है, नोटिस लगा दिया गया है कि किसी भी आम लोगों के लिए गांधी मैदान 15 अगस्त तक बंद रहेगा, यानी प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस इलाके में शाम में काफ़ी भीड़ होती है और इस बार जो 15 अगस्त मनाया जाना है वो कोविड प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ झंडोत्तोलन करेंगे और अभी से ही तैयारियाँ शुरू हो गई है। यानी अब से 14-15 दिन बचे हैं लेकिन तैयारियाँ शुरू कर दी गई। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि गांधी मैदान में बैरिकेडिंग का जो काम है वो शुरू किया जा चुका है। बांस बल्ले लगाए जा रहे हैं। वीआईपी के अलावा जो आम लोग इस खुशी में शामिल होने आते हैं उनके लिए भी अलग से बैठने की व्यवस्था होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ झंडोत्तोलन करेंगे और इस बार जो है सुरक्षा को लेकर के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। इसकी तैयारियाँ शुरू हो गई है और हर रोज़ सुबह में जो परेड है उसका जो अभ्यास है वो शुरू किया जा रहा है और लगातार ये 13 दिनों तक चलेगा। उसके बाद ही यानी 15 अगस्त के बाद ही लोगों के लिए गांधी मैदान खोला जाएगा। जो झांकियां हैं वो बनाई जा रही है, कारीगरों ने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर के 15 अगस्त जो है कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाएगा। इसी के मद्देनज़र गांधी मैदान में आप देख सकते हैं सभी गेट जो हैं वो आम नागरिकों के लिए बंद कर दिए गए हैं और इसकी सूचना जो है गेट पर ही लगा दी गई है। यानी 15 अगस्त से पहले किसी तरह की कोई चूक ना हो सुरक्षा में, इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और इसी के मद्देनज़र आम लोगों के इसमें दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है और इसकी सूचना गांधी मैदान के गेट नंबर 1 से लेकर के कई गेट पर लगाई गई है। तो कुल मिलाकर के आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है और कल से जो है यहाँ परेड का अभ्यास शुरू होगा और इसका समय 9 बजे तय किया गया। 15 अगस्त के बाद आम लोगों के लिए ये खोल दिया जाएगा। लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।